हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का 5 मिनट्स केमिस्ट्री सेशन विपिदीक सर में। जैसे कि आप सभी जानते हो, मंडे टू सैटरडे डेली रात को 9:30 बजे हम यहाँ मिलते हैं और मात्र 5 मिनट में केमिस्ट्री के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, आज का सेशन शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 2090 एग्जाम, 76 इन गेट एंड 29 इन सीएससी एंड नेट। माई टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 8 ईयर्स। और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्यूजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी में कोई से भी कोर्स परचेस करते समय आपको कोड यूज करना है टी ए सर टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करा है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहाँ आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। वहाँ हमारे काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, जिनको अनलॉक करने के लिए भी आपको एक कोड चाहिए होगा। दैट कोड विल बी पी ए सर। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इस कंपाउंड में कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। यहाँ दो स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है आर आर की, आर एस, एस आर, एस एस। बट क्योंकि दोनों ही स्टीरियो सेंटर्स एक से हैं, तो आर एस और एस आर एक ही बात हो जाएगी, हमने एक काट दिया। आंसर हो जाएगा बच्चों 3, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे, होमोमर्स। आंसर विल बी 3। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन इनैनशियो प्योर फॉर्म में मिल सकता है। ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसमें पीओएस है। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसमें पीओएस है। ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, बट ये अपने आप अपने मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने आप अपने नैशो में कन्वर्ट रहेगा, इस वजह से ये नैशो प्योर फॉर्म नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा, ए। ये रिंग फ्लिपिंग करके अपने नैशो में कन्वर्ट रहेगा बी, इसलिए ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा बच्चों, ए। तो बच्चों, आई होप आपको आज के ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई से भी कोर्स परचेस करते समय आप लोग पी ए सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। तो बच्चों, मिलेंगे कल सेम टाइम रात को 9:30 बजे। तब तक के लिए मजे करिए।